स्टूडेंट्स, हम जो है अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, और ये आपका है वर्कबुक के पेज नंबर 49। ठीक है, मास के टॉपिक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम अपने चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम फ्रंट पेज, पेज नंबर 49। तो पहला सवाल है आपके पास, चूज द नियरेस्ट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टिक द रिलेवेंट बॉक्स। आपको जो है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स का नियरेस्ट वेट, करीबी वेट जो आपको लगता है कि हो सकता है, उसको आपने टिक करना है, ठीक है, बॉक्स में। अब पहला जैसे हमारे पास दिया हुआ है एप्पल। अब एप्पल के तीन वेट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 100 ग्राम, एक दिया हुआ है 10 ग्राम और एक दिया हुआ है 500 ग्राम। अब एक एप्पल का वेट कितना हो सकता है नियरेस्ट? तो मुझे जो लगता है वो लगता है कि 100 ग्राम जो है वो होता है, तो आपको भी इसी बॉक्स में टिक करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके पास बॉल। बॉल में जो है वो आपको तीन वेट्स दिए हुए हैं, 100 ग्राम, 10 ग्राम और 500 ग्राम। तो इसका जो नियरेस्ट वेट आएगा वो आएगा 10 ग्राम, ठीक है। इसी तरह आपके पास थर्ड पे दिया हुआ है बकेट। बकेट में लिखा हुआ है बकेट के वेट्स हैं 150 ग्राम, 15 ग्राम या फिर सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम। तो आपका जो है वो बकेट का वेट नियरेस्ट जो आएगा वो 150 ग्राम आएगा, तो आपने इस बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद फोर्थ है आपके पास बुक का वेट, 500 ग्राम, 2 kg, 20 ग्राम। डिफरेंट बुक्स का डिफरेंट वेट होता है, तो हमने जो है वो नियरेस्ट वेट के तौर पर यहाँ पर 2 kg लिया है और हमने इसको इस बॉक्स में टिक किया। उसके बाद है आपके पास ऑब्जेक्ट में ग्लास का आपको जग दिया हुआ है, ग्लास का बना हुआ, ठीक है, ग्लास मेड आपको जग दिया हुआ है और उसका वेट पूछ रहे हैं 50 ग्राम, 1 kg या फिर 200 ग्राम। तो इसमें आपने 1 kg को टिक करना है। उसके बाद है आपके पास स्टील स्पून दिया हुआ है। स्पून का वेट क्या क्या दिया हुआ है, 150 ग्राम, 1 ग्राम और 10 ग्राम। तो इसमें जो नियरेस्ट वेट आएगा वो आप 10 ग्राम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ आपके पास वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर में भी तीन वेट्स आपको दिए हुए हैं, 2 kg, 250 ग्राम या 750 ग्राम। अगर आप नॉर्मली देखें तो आपके जो वेट होता है वॉशिंग पाउडर का वो डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम को टिक किया है, आपने भी इसी को टिक करना है। उसके बाद आपके पास चिप्स का वेट, चिप्स के पैकेट का वेट, जिसमें तीन वेट्स दिए हुए हैं आपको, 100 ग्राम, फिर 5 kg या फिर 25 ग्राम। आपको पता है चिप्स का भी डिफरेंट वेट होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 25 ग्राम को टिक किया है, आपने भी इसी को टिक करना है। उसके बाद लास्ट है आपके पास मिल्क का पैकेट, ठीक है, उसमें आपको दिए हुए हैं वेट 100 ग्राम, 5 kg और 50 ग्राम। इसके अंदर आपने 55 kg को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेज नंबर 50 पे कन्वर्जन, और कन्वर्जन मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसको कन्वर्ट करना है, आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम को ग्राम में, ठीक है, कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम। तो पहला आपको जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 5 kg। kg को मैंने आपको बताया था, किलो का मतलब क्या होता है, 1000। तो आपने सिंपल 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 5000 ग्राम। इसी तरह सेकंड है आपके पास 14 kg, आपने 14 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 14000 ग्राम। इसी तरह आपके पास सी है 8 kg, 8 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 8000 ग्राम। और लास्ट है आपके पास डी 1 kg, जिसको आप जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 ग्राम आएगा। तो इस तरह आप केजी को इजीली जो है वो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इसी पेज पे सेकंड टॉपिक है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट केजी एंड ग्राम इनटू ग्राम। अब आपको दो वैल्यूज एक साथ दी हुई है, एक केजी दिया हुआ यूनिट में और एक ग्राम दिया हुआ, और हमें इसे सिंपल ग्राम बनाना है। तो आपको जब केजी और ग्राम अलग अलग दिए हुए होते हैं तो ग्राम को तो हम चेंज नहीं करते, सिंपल हमें केजी को ग्राम बनाना है और फिर हमारा जो दिया हुआ ग्राम है उसमें हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ग्राम आ जाएगा। सिंपल आपके पास 6 kg दिया हुआ है, आपने सिंपल इसको ग्राम बनाया 1000 से मल्टीप्लाई करके तो आपके पास आंसर आएगा 6000 ग्राम। और 6000 ग्राम में जो आपके बकाया जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 150 ग्राम, उसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल ग्राम आएगा 6150 ग्राम। इसी तरह सेकंड है आपका बी 2 kg, 308 ग्राम। 2 kg को पहले आपने ग्राम बनाया 1000 से मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर आया 2000 ग्राम। और 2000 ग्राम में जब आप बाकी अपने ग्राम ऐड करोगे 308 ग्राम, तो आपके पास आंसर आएगा 2308 ग्राम। इसी तरह
4 kg 720 gram को जब आप ग्राम बनाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 4720 grams। और डी वाला है आपके पास 5 kg 66 gram, तो इसको जब आप ग्राम बनाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 5066 gram। उसके बाद लास्ट है आपके पास ई 3 kg 4 grams, 3 को आपने ग्राम बनाया तो बना 3000 ग्राम, उसके बाद आपने 4 grams को इसमें ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 3004 grams। इसी तरह आपने जो है वो अपनी वर्कबुक पर इसको करना है। उसके बाद आपके पास पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास सेकंड टॉपिक का, कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स इनटू किलोग्राम। लास्ट टाइम हम किलोग्राम को ग्राम बना रहे थे, अब हम ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे, मींस अपने छोटे यूनिट को वापस बड़ा यूनिट बनाएंगे। तो कन्वर्ट करते हैं ग्राम को केजी में। आपको मैंने क्लास में सिखाया था कि केजी को अगर हम ग्राम को जो है वो केजी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डिवाइड करते हैं 1000 से। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? 1000 से। तो जब आप सिंपल 2000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, तो वो आपका केजी होगा। इसी तरह 2000 ग्राम हमारा बनेगा 2 kg। इसी तरह बी जो है आपका वो 7000 है, जब इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7 kg। सी है आपका 4000 ग्राम, तो ये आपका बनेगा 4 kg। डी जो है वो आपका है 6000 ग्राम, तो ये बनेगा आपका 6 kg। और ई है आपके पास 1000 ग्राम, तो इसको मजीद 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा सिर्फ 1 kg। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको क्लास में करवाया था, समझाया था, इसी तरह आपने अपना काम सबमिट करवाना है सैटरडे को 17 अप्रैल 2021। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।